बहुत बढ़िया मेरे हल्क बस्टर, आज मैं तेरा टेस्ट ले रहा हूँ। मेरे इस ब्लैक पनिशर को कम से कम $100 मिलियन का तो बना ही दे, उसके बाद मैं तुझे भी अपग्रेड करवाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा रहा है, लेकिन गलती से कुछ परेशानी मत कर दियो। जी सर। अरे नहीं सर, ये क्या हो गया? अब ये क्या कर दिया तूने? अरे नहीं 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 इससे पहले कि मेरा सूट फटे और इसमें और दिक्कतें आए, मुझे इसको जल्दी से मनी में ट्रांसफर करना होगा। ये करता हूँ। अरे नहीं, ये तो बस $40 मिलियन ही मिले मुझे। मैंने इस पर $60 मिलियन लगाए थे और मुझे बदले में 40 मिनट और। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भाग यहां से। अरे सर प्लीज, मुझे माफ कर दो, मारो मत। बेटा तुझे, रुको अभी बताता हूं मैं। तो एक तो तू $0 का बस रहा है, तुझे पीटूंगा अभी, तो मुझे मिलने वाला कुछ है नहीं, फिर भी मैं तुझे कन्वर्ट कर लूंगा। नहीं सर प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अबे बताता हूं तुझे, बेवकूफ कहेंगे ना। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं तो आपके लिए बेस्ट चाहता हूं। तू बिल्कुल नोब है और जिंदगी भर बिल्कुल ही पुअर रहेगा, गरीब रहेगा, तू समझा? कभी भी रिचेस्ट नहीं बन पाएगा। नहीं सर, मुझे $100 मिलियन का हल्कबस्टर बनना है, रिचेस्ट नहीं बन पाएगा, तू समझा? मेरा पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। अब मुझे उस वेबसाइट से एक नया सूट खरीदना होगा। पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे गाइस, मेरे टोनी सर ने मुझे पीटा और गलत समझा। मैं तो उनका अच्छा चाहता था, लेकिन मैं नूब हूँ, मैं $0 का हल्कबस्टर हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करते। मुझे देखना होगा कि मेरे टोनी सर असल में कैसे किसी भी सूट को कन्वर्ट कर लेते हैं पैसों में। काश वो गन मुझे मिल जाए, फिर मैं भी ना बहुत सारे सूट्स को कन्वर्ट कर लूंगा और वो वेबसाइट से नया सूट खरीद लूंगा। देखिए मेरे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर, मुझे रोना आ रहा है। हाँ तो मुझे जल्दी जल्दी एक वेबसाइट ढूंढनी होगी, ये वाली वेबसाइट। अच्छा एक काम करते हैं, रेड डायमंड की वेबसाइट ढूंढ लेते हैं। हाँ गाइस, इन्होंने तो रेड डायमंड की वेबसाइट ढूंढ डाली और यहाँ पर मुझे करना होगा $20 मिलियन वाला सूट बाय। गाइस यहाँ पर ये $20 मिलियन वाला सूट बाय कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो रिचेज बन गए। मजा ही आ गया। अब मुझे उस बेवकूफ नूब और बिल्कुल गरीब हल्कबस्टर की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और जाकर ढूंढता हूँ बाकी आयरन मैन को, उनको कन्वर्ट करूंगा और अच्छे से नए नए सूट लूंगा। गाइस मैंने एक काम करता हूँ, टोनी सर की मशीन ले लेता हूँ। ये वाली देखिए, ये एक ऐसी गन मशीन है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सूट को, नॉन लिविंग थिंग को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पैसे में कन्वर्ट करना। तो गाइस मुझे ना भी कन्वर्ट करना होगा कुछ सूट्स को। अरे वाह, टोनी स्टार्क का एक खराब सा सूट पड़ा है यहाँ पर, ये तो एक ज़ॉम्बी आयरन मैन टाइप लग रहा है, क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें। पता नहीं गाइस कितने पैसे मिलेंगे, ये देखो। अरे वाह, मुझे तो $60,000 मिल गए इसको कन्वर्ट करने पर। एक काम करते हैं दोस्तों, हम भी उस वेबसाइट को ढूंढते हैं और हम भी रिचेस्ट बनेंगे। अरे नहीं गाइज, ये साइट तो लॉक्ड है, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब मेरे लिए, और साथ साथ में कमेंट में अपना नाम लिख दो या फिर यस लिख दो, उससे हमारी वेबसाइट अनलॉक हो जाएगी। प्लीज़ गाइज कर दो ना, मैं बहुत नूब हूँ। अरे वाह गाइज, जैसे आप लाइक कर रहे हैं वैसे ना हमारी वेबसाइट खुले जा रही है। देखिए यहाँ पर एक सूट तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए परचेस्ड है, लेकिन यहाँ पर $60,000 का एक और सूट है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी सूट को बाय कर लेता हूँ। ये क्या, बाय नाउ पे क्लिक। अरे वाह गाइज, अब तो मैं पहले से बेटर एक रेड हल्कबस्टर बन चुका हूँ। अरे गाइस, लेकिन मुझे अपनी पावर चेक करनी होगी, काश मेरे अंदर पावर आ जाए, पहले तो ठीक से पावर भी नहीं थी। अरे वाह, इस बार तो मैं काफ़ी स्पीड में उड़ पा रहा हूँ। अरे बहुत ही सही हो गया दोस्तों, अभी तो मुझे और सूट्स को कन्वर्ट करना होगा, मिशन करने होंगे जिससे कि हम $100 मिलियन कमा लें। हाँ भैया सुनो, हमारे बात, तीन सूट तुम मार लो, तीन सूट हम मार लेते हैं, उसके बाद हम बढ़िया तरीके से पैसा कमाएंगे। अरे नहीं गाइस, ये क्या, ये तो इन सूट को कन्वर्ट कर लेंगे पैसों में। एक काम करता हूँ, ये बुरे लोग हैं, मैं इनको पीटता हूँ। ये लो, अरे कौन मारा हमको, तो मारिए। गाइस यहाँ पर मैंने जितने बुरे लोग थे इनको पीट दिया, मतलब बेहोश कर दिया। अब एक काम करते हैं, इन सारे के सारे आयरन मैन सूटों को शूट करते हैं और इनमें से पैसा निकालते हैं। अरे वाह, इन सबको मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ मनी में। मेरे पास टोटल $40,000 हो चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये 50 और ये 60,000 है। अरे वाह गाइस, मजा आ गया। अब तो यहाँ पर हम और भी ज़्यादा सूट खरीद सकते हैं, लेकिन यार 60,000 में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए काम करते हैं, हम और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एडमिशन ढूंढते हैं। तो चलो ठीक है, मैं जल्दी आ गया। मैंने शहर में बहुत ही कमाल कमाल के दूसरे लोगों के आयरन मैन के सूट ढूंढे हैं। अब मैं अपनी गन से उन सभी को कन्वर्ट कर लूंगा पैसों में और नए सूट खरीदूँ। अरे ये क्या, अब मेरी गन कहाँ चली गई, किसी चोर ने चुराई होगी? चावस जरा पता करो। ओ अब समझा, उस हल्कबस्टर को मैंने घर से भगाया था ना, गरीब को। एक मिनट, मेरा ज़ॉम्बी आयरन मैन का सूट भी गायब है। ओ तो वो पुअर हल्कबस्टर अब रिचेज बनना चाहता है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, पूरे शहर में ढूंढूंगा उसको। चावस एक मिनट, ये रहा वो, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और भी ताकत बनूंगा। अच्छा अब तेरे अकाउंट में $60,000 भी आ गए, पहले तो तू $0 का था। चल ये पैसे निकाल और वो गन वापस कर। नहीं करूंगा सर, देख ऐसे मारते हैं ऐसे। अरे सर मुझसे तो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही थी। ओ
करो कि तू एक नूब है, तेरे बस के नहीं है ट्रेनिंग करना। अरे सर मुझे सिखा दो ना प्लीज। अच्छा ये ले, ऐसे सिखाऊंगा तुझे। अरे नहीं सर, मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो एक नूब हूँ। हाँ बिल्कुल, और तू नूब और गरीब है, और तू रिचेस बनना चाहता है मुझसे भी ज़्यादा, मेरी गन वापस कर। नहीं सर प्लीज प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैंने हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की और मतलब पढ़ते ही आपने मुझे भगा दिया। अच्छा तो ज़्यादा नहीं बोल रहा बेटा, तो चल निकाल नहीं तो तुझे आसमान से नीचे फेंकूंगा, मर जाएगा तू। नहीं सर प्लीज़ मुझसे गन मत छीनो, मुझे यहाँ पर अमीर बनना है, मेरा भी तो सपना है, प्लीज़ सर। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक बेटा तू ये नीचे फेंकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे मत फेंको। अरे गाइस देखिए मेरी क्या गलती है, मेरे सर मुझे क्यों फेंक रहे हैं। अरे देर तू ये बता दो मेरी गन दे। अरे वो रही गन ले लो सर। हाँ मिल गई गन, अब तुझे फेंका नीचे, बचाओ। बहुत बढ़िया, चलो मुसीबत तो गई, अब यहाँ पर गन लेकर आराम से सूट कन्वर्ट करूंगा और नए नए सूट खरीदूंगा 100 मिलियन तक के। गाइस बचाओ प्लीज, कमेंट में हल्क बस्टर ओपी लिखो, मुझे पावर चाहिए गाइस, मुझे ना यहाँ पर पुअर से रिचेस्ट हल्क बस्टर बनना है, वो भी रेड वाला। मेरे टोनी सर मुझे बहुत पीटते हैं, वो बहुत ही बुरे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे उनकी गन छीननी होगी और अपने सूट में अटैच करनी होगी, जिससे कि फ्यूचर में वो कभी भी मुझसे गन ना छीन पाए। गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी ने हल्क बस्टर ओपी लिख दिया होगा कमेंट में, मेरे पास तो हेल्थ भी नहीं है, बहुत जोर से लग गई। कोई बात नहीं है, मैं फिर से उठता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बार बार ऊपर जाऊंगा और उस गन को वापस ले लूंगा। बहुत बढ़िया, ये गन तो काफी सही लग रही है मुझे, अब जल्दी जल्दी जाके कन्वर्ट। अरे कौन मार रहा है? सर मैं आपको पीट दूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। ए जावेद जरा सूट की पावर अप करो। गाइस इससे पहले मेरे सर वापस उठें, मैं काम करता हूं, इनकी गन ले जाकर जल्दी से कुछ और सूट को शूट करके कन्वर्ट कर लेता हूं पैसों में, जिससे कि गाइस यहां पर मैं पुअर से थोड़ा सा तो रिचेस्ट बन जाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पावर्स पूरी तरह से खत्म हो गई गाइस। एक मिनट, यहां तो और भी आई मैन के सूट हैं, मुझे काम करना होगा, अपनी गन निकाल के इनको शूट करना होगा। अरे वाह, मेरे पास तो 1 लाख से भी ज्यादा डॉलर हो गए, 5 मिलियन 10 मिलियन। अरे क्या बात है, ये सूट तो काफी महंगे हैं, लगता है मार्क 50 वाले सूट हैं इसलिए इतने महंगे हैं। मजा ही आ गया, मेरे पास तो 30 मिलियन डॉलर हो गए। चलो गाइस 30 मिलियन डॉलर में कोई नया हल्कबस्टर का सूट खरीदते हैं, नहीं तो टोनी सर मुझे जान से मार देंगे। गाइस राइट में देखिए टॉप पर 30 मिलियन डॉलर का एक सूट है, हम ना इसको बाय कर लेते हैं। मैंने इसको बाय कर लिया। अरे वाह गाइस, मैं तो पहले से भी बेटर बन गया, इस बार मैं रेड पनिशर हल्कबस्टर बन गया। और गाइस वो जो गन थी अब मेरे सूट में अटैच हो चुकी है, अब जो टोनी सर हैं वो कभी भी गन को मुझसे छीन नहीं सकते क्योंकि वो मेरे सूट में ही अटैच्ड है। अरे वाह, मैं तो आसमानों में भी उड़ पा रहा हूँ। चलो गाइस एक काम करते हैं, जाकर शहर में और पैसे कमाते हैं, मिशंस करते हैं, जिससे कि हम 100 मिलियन डॉलर तक का सूट खरीद पाएं और रिचेस्ट हल्कबस्टर बन जाएं, उसके बाद टोनी सर मुझे कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर पैसा कमाते हैं। अरे गाइस देखिए ये तो ब्लू गॉड एलिमेंटल सूट है, एक काम करते हैं हम अपनी नई पावर इस्तेमाल करते हैं जो कि मेरे सूट के अंदर आई है, अगर मैं इनको पंच मारूंगा तो ये मुझे पैसे देंगे। अरे वाह, ये सब तो मेरे एक एक पंच में कन्वर्ट होते जा रहे हैं काफी अच्छी मनी में, मैं तो बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट हो जाऊंगा और गाइस हम बनेंगे रिचेस्ट हल्कबस्टर। अरे बाप रे, वो बिल्कुल ही बेकार गरीब एकदम तुच्छ सोच का हल्कबस्टर, अरे मेरे साथ ऐसा क्या कर गया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी गन भी छीन कर ले गया और मेरा सूट भी उसने खराब कर दिया। उसकी बॉडी में जो बिजली की एनर्जी निकल रही थी उसकी वजह से मेरे सूट को पूरी तरह से नुकसान हो गया है, इसलिए मैं सही से उड़ भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो बचेगा नहीं, मुझे जल्दी ही उससे गन छीननी होगी, इस बार मुझे कोई और नया सूट खरीदना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले घर जाता हूँ, मेरी हालत पूरी तरह से खराब हुई पड़ी है, उसको तो मैं देख लूंगा, उसके हिम्मत कैसे हुई पुअर से रिचेस्ट बनने की सोचने की भी, मैं उसको बिल्कुल भी रिचेस्ट नहीं बनने दूंगा। मैं वापस से अपने घर आ चुका हूँ और अब जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर सबसे पहले खुद की हालत ठीक करता हूँ, मुझे जल्दी से एक नया सूट खरीदना ही होगा। मेरे पास अब पैसे भी 60 मिलियन डॉलर हैं, 60 मिलियन डॉलर में क्या मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, निकालते हैं फोन, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सूट दिख रहे हैं, एक काम करता हूँ ये 40 मिलियन डॉलर वाला ही बाय कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 100 मिलियन तो है नहीं। चलो बढ़िया, यहाँ पर मैंने खरीद लिया है एक ग्रीन अल्ट्रॉन का सूट, अब वो बचेगा नहीं नूब एंड गरीब सा हल्कबस्टर। जावेस चलो चलते हैं और उसकी बैंड बजाते हैं, मुझे उससे गन छीननी होगी, उस गन के बिना मैं किसी भी सूट को कन्वर्ट नहीं कर सकता कैश में, और ऐसे तो मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे और फिर मैं नए नए सूट भी नहीं खरीद पाऊंगा और वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा, इसलिए मैं उसको ढूंढ कर रहूँगा। अरे गाइस यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ गया, मेरे पास टोटल 20 मिलियन डॉलर हो गए। एक मिनट, ये क्या बाबरे, दुनिया भर में पता चला है हमारे शहर के जो मिस्टर रेडल के हैं उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से पुलिस का सोना चुरा लिया है, जो भी उस सोने को बचाएगा उसको 40% की कमीशन मिलेगी। अरे ये क्या गाइस, रेड हल्क ने हमारे शहर का सोना चुरा लिया, मुझे जल्दी से एक सुपर हीरो बनकर उस रेड हल्क को पीटना होगा। और गाइस अगर हमने उसको पीट
दिया तो 40% सोना हमें मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। चलो चलते हैं और देखते हैं कितना सोना मिलेगा। अरे बापरे, ये पूरी स्पीड की मैंने, और जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर रेड हल्क की बैंड बजा डालता हूँ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मजा आ गई, मजा आ गई। अरे तू कौन है लाल लाल? मैं यहाँ पर इस सोने को बचाने के लिए आया हूँ, हमारे शहर के लिए। और चुप कर, और तू तो टोनी स्टार्क के बिना ही आया है, निकल जा यहाँ से, रेड हल्क बस्टर पिटेगा बहुत। तो गाइज हमें साथ में मिलकर इसको पीटना होगा जिससे कि हम इस सारे सोने को बचा पाएं और अपने शहर का अच्छा कर पाएं। अरे तेरे बस की, पटक पटक के पीटूंगा, पीट पीट के पटक दूंगा। यह ले तेरी तो, यह ले। अरे मार रही है तू तो, प्लीज छोड़ दे, चाहे तो सोना ले ले। गाइज यहाँ पे ये हार मान चुका है, ये तो बहुत सही हो गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले पुलिस को कॉल लगाते हैं जिससे कि पुलिस को पता चल जाए हमने सोना बचा लिया है। हेलो इंस्पेक्टर। क्या बात है? अरे सर, मैंने सारा सोना चुरा लिया है, मेरा मतलब बचा लिया है। बढ़िया बच्चे, वो टोटल बहुत ही ज्यादा सोना है, 150 मिलियन से भी ज्यादा है। एक काम करो, 60 मिलियन डॉलर तुम ले लो, बाकी का हमारे लिए छोड़ दो, हम बाद में ले जाएंगे। ओके सर, ठीक है। अरे वाह गाइस, इस बार 60 मिलियन डॉलर तो हमें मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, इसमें से 60 मिलियन डॉलर हमने ले लिया, बाकी सोना हमने छोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 60 मिलियन में कोई सूट है या नहीं। अरे नहीं गाइज, लास्ट सूट बचा है, वो भी 100 मिलियन डॉलर का है। हमें रिचेस्ट बनना होगा, इस सूट को खरीदना ही होगा। अच्छा बेटा, सूट खरीद रहा है क्या? तेरे अकाउंट में 80 मिलियन डॉलर और मेरे पास तो सिर्फ 20 मिलियन डॉलर है। चल बेटा, पुअर से हल्क बस्टर, जो तू अब ये नाटक कर रहा है ना अमीर होने का, जल्दी से मेरी गन वापस कर दे। सर वो गन अब आपको नहीं मिलेगी, वो मेरे अंदर है, वो मेरे सूट अटैच है। सूट से अटैच है? बोलना तक तो आता नहीं है तुझसे नूप कहीं के। और तू मेरी गन को मुझसे चुराएगा? मैं तेरे सूट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन उस गन को तेरे सूट से दूर करके रहूंगा, और उसके बाद पूरी दुनिया का सबसे अमीर रिचेस्ट आयरन मैन बन जाऊंगा। नहीं सर, मुझे बनना है रिचेस्ट हल्क बस्टर। नहीं बनेगा तू, पुअर का पुअर रहेगा, चल मेरे साथ। गाइस ये क्या, इनके पास इतना खतरनाक सूट कहां से आया? ये एक ग्रीन अल्ट्रॉन का सूट है, तुझे क्या लगा तू मुझे हरा देगा? चल मेरे साथ, मैं तेरी पूरी बॉडी को खोल दूंगा उसके पुर्जे पुर्जे। अरे नहीं गाइस, ये मुझे कहां ले आए? मैं तुझे तेरे पुराने घर हल्क बस्टर के घर एकदम जेल वाली फील दिलाने लाया हूं अपने स्टॉक मेंशन में, और तेरे उर्जे पुर्जे। ये लो सर। गाइस बहुत हो गया, अब मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं इनको पीट दूंगा। अच्छा तू मुझे मारेगा? अरे तेरी तो ये ले। गाइस हमें ना हल्क बस्टर बनके इनको पीटना होगा, टोनी सर को, ये हमारे साथ ऐसे बुरा नहीं कर सकते। अबे छोड़ मुझे, ये क्या कर रहा है? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर। अरे बाप रे, इसने मेरी हालत खराब कर दी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ आपके साथ सर। एक काम करते हैं गाइस, जल्दी से ना इनके अंदर जितनी भी सुपर पावर और पैसे हैं वो लेते हैं। अबे नहीं, मेरे पास बस 20 मिलियन डॉलर, क्या करेगा उनको लेकर? तो गाइस इनके सूट में 20 मिलियन डॉलर छुपे हुए हैं, हम ना उन 20 मिलियन डॉलर को भी ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पर 20 मिलियन डॉलर मैंने चुरा लिए। अबे नहीं, छोड़ दे मेरे पैसे। तो गाइस एक काम करते हैं, 100 मिलियन डॉलर का वो लास्ट वाला सूट खरीदते हैं और हम इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट हल्क बस्टर बन जाएंगे। तो लास्ट में देखिए जो सूट दिख रहा है ना, अब हम इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अरे वाह गाइस, मैं तो यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हल्क बस्टर बन चुका हूँ और मेरा पूरा कलर रेड हो चुका है। मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का और औसम लग रहा हूँ। गाइस ये आप सभी की वजह से हुआ, देखिए मैं कैसे ग्लो कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ गया। चलो अपनी पावर भी यूज़ करके देखते हैं। अरे वाह, मैं तो कितनी खतरनाक तरीके से उड़ भी पा रहा हूँ और यहाँ पर पूरा का पूरा मौसम ख़राब हो गया है मेरी पावर्स के चक्कर में, मज़ा ही आ गया। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो प्लीज़ कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।